साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पर क्लिक करके और वीडियोस पर जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं वीपीएल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो इसके अंदर 2SC5 2N3055 का ट्रांजिस्टर होता है जो इस 3055 वाले सेट में, चाहे वो ये वाला कार वाला हो या कोई दूसरा जिसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, रूल सबके सेम ही होते हैं, तो उसकी जगह आप ये 5200, जैसे कि इसमें देख सकते हैं 5200 का ये मेरे पास ट्रांजिस्टर, ये भी 5200 है ये भी, और ये 3055 है छोटे वाले, तो आप उसमें किस तरीके से ये 5200 लगा सकते हैं 3055 इस वाले में, इस वाले 3055 की जगह किस तरीके से ये 5200 आप लगा सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसकी वायरें जो इसके अंदर है किस तरीके से जुड़ी हुई है। अगर आपने ये पहली हटा लिया फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी कि कौन सा बेस कलेक्टर मीटर कौन सा था। तो इसके अंदर जिधर ये वाइट वाली जुड़ी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सफ़ेद वाली तार जो सी जुड़ी हुई है बेस है इसका, जो ये चेसी पे कनेक्ट है ब्लू वाली, यानी कि इस वाली नट पे कनेक्ट है पूरी चेसी पे बेस, फिर कलेक्टर और ये हरी वाली इमीटर, ठीक है, ऐसी इसमें भी है बेस कलेक्टर इमीटर, ये इसका हुआ। और जो इसमें है 5200 में, इसमें अगर आप इसे जब सीधा पकड़ोगे और ये लिखा हुआ ऊपर को रहेगा इस तरीके से पढ़ा जाएगा ये, तो इसमें भी इसी तरीके से लाइन से पहला बेस कलेक्टर इमीटर, ठीक है। तो अब आपको उसी तरीके से ही निकालना है इस पे से बेस, इसका बेस जो वाइट वाला जैसे कि मैंने बताया आपको, इसका बेस इसके बेस के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, इसके फर्स्ट पिन के साथ बेस के साथ ही 5200 के, कलेक्टर कलेक्टर के साथ, इमीटर इमीटर के साथ, ठीक है, ये आपस में चेंजिंग नहीं करनी नहीं तो आपका ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे निकाल लेता हूँ, तो आपको याद कर लेना, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक तार निकालें, तार निकाल के बेस को पहले बेस के साथ जोड़ दें, फिर कलेक्टर का तार निकालें कलेक्टर के साथ जोड़ दें, ये दो कारण से कर सकते हैं आप, जैसे कि आपका ट्रांजिस्टर ये 3055 ख़राब हो जाए और नहीं मिले तो उसकी जगह आप ये 5200 भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको यहाँ रख देता हूँ 5200, तो ऐसे था ये, सबसे पहले है बेस, बेस जोड़ देते हैं कलेक्टर बीच का, फिर इमीटर, ठीक है, ऐसी ये वाला भी जोड़ देते हैं हम, तो ये जुड़ गया। तो चलिए अब हम इसकी आवाज़ सुन लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता, बस बेस कलेक्टर मीटर का ध्यान रख के आपको जोड़ना होता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास 5200 है तो उसमें आप आपका अगर 5200 ख़राब हो गया है तो उसमें आप 3055 भी इसी तरीके से बेस कलेक्टर मीटर के साथ ही जोड़ सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा कि किस तरीके से जोड़ना है। जब 3055 को आप 5200 पे जोड़ोगे तो इतनी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये ज़्यादा वाट का होता है, 3055 कम वाट का होता है। और जब 5200 कहीं लग रहा होगा उसकी जगह आप 3055 जोड़ोगे तो 3055 थोड़ा ज़्यादा हीट होएगा, उसके साथ आपको एक फ़ैन लगाना पड़ेगा या बड़ी हेड सिंग लगानी पड़ेगी जिससे थोड़ी हीट वो कूल रहे, थोड़ा ठंडा रहे। तो चलिए अब हम इसकी आवाज़ सुन लेते हैं, पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊँगा जब 3055 लगा हुआ है, है ना, तो दोनों स्पीकर चल रहे होंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा जब ये वाला ट्रांजिस्टर लगा होगा। मैं दो चैनल है इसमें, इस वाले चैनल को हटा दूंगा, जो ये वाला चैनल है इसके तार मतलब हटा दूंगा, सिर्फ एक ही स्पीकर रहेगा स्पीकर पे। तो चलिए आज इस वीडियो देख लीजिए आगे की कि क्या फ़र्क पड़ता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Thank you.